कई दफा क्रिकेट के मुकाबले पे कुछ ना कहना ही हजार बातें कहने वाली बात बन जाती है। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि होम टीम को इस तरह से मार पड़ी हो। ये तो मैसिव मार है। कुछ कहने के लायक नहीं रहे हैं श्रीलंका वाले और फैंस बिटरली डिसअपॉइंटेड होंगे। और इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है। जी 100% विन बनती थी, बिल्कुल ही आउटस्मार्ट कर दिया श्रीलंका को। रिवाइज टारगेट था 72 रन का 45 गेंदों पे। वो तो शायद नाराज ही थे यशवी जायसवाल और जिसका सूर्या कुमार, 200 के स्ट्राइक रेट से। और फिर जो आखिर में कमाल किया हार्दिक पांड्या ने, राशिद मियां नहीं रुकती इंडिया। इंडिया पावरफुल प्लेयर डिस्प्ले किया, आसान था। ये तेरे से रन दे दिया सूर्या को, जो एक ही टांग पे बना देता है वो। 240 का स्ट्राइक रेट था हार्दिक पांड्या का, यानी कि तीन लोग आए भाई, तीन लोग आए बार-बार करके चले गए श्रीलंका को, तबाह कर दिया। ये चल क्या रहा है यार, मतलब इंडिया, रोज सुबह उठो इंडिया को देखो वो जीतेगा, रोज रात को सो जाओ। इंडियन क्रिकेट टीम हर टीम को ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाकर बैठी हुई है, मतलब मारते ही इतने यार, वन साइडेड अफेयर कर देते हैं। मैं तो सिर्फ एक चीज कहूंगा कि भाई ये जो नई जनरेशन ऑफ प्लेयर है ना इंडिया के, ये जायसवाल टाइप के और ये सूर्या कुमार यादव वगैरह, भाई मुझे तो लगता है कि ये तो पिछली जो T20 जिसने T20 वर्ल्ड कप अभी जीता इंडिया की स्क्वाड, उससे भी ये दो हाथ आगे जाएगी। सबसे पहले या इसके रीजंस क्या श्रीलंका दे सकता है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ, इतना फर्क था दोनों में। और ये तो वन साइडेड अफेयर भी नहीं था, ये कोई अफेयर नहीं था। ये सवाल नहीं लग रहा आपको कि इंडिया इज टू सुपीरियर? तो ये इंडिया को क्रेडिट जाता है जिस तरह से वो मैच बहुत इजीली जीत गए। जायसवाल क्या खा रहा है मुझे ये बताइए आप। हाँ, अबे बैठ के भी मार रहा है, उल्टे हाथ से भी मार रहा है, वो क्या कर रहा है वो, उसके बाद क्या भाई उसका फोकस क्या है? ऐसे बच्चे से पूछा तो जाए ना यार, ऐसा लग रहा है पिट सूंघ लेता है कि कहां पे बॉल पड़ेगी, यहां पे मैंने मारना है। पकड़ फील अनपैरेलल्ड इंडिया होता जा रहा है, अनमैच्ड इंडिया। एंड जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को एज ए T20 कैप्टन, आई थिंक the guy has the confidence, the brains and the attitude. Unki 100% win banti thi, bilkul hi outsmart kar diya Sri Lanka ko. Revised target tha 72 runs ka 45 gendon pe. Wo to shayad naraaz hi the यशवी जायसवाल और जिसका सूर्या कुमार, 200 के स्ट्राइक रेट से। और फिर जो आखिर में कमाल किया हार्दिक पांड्या ने, राशिद मियां नहीं रुकती इंडिया। कमाल नहीं लग रहा आपको कि इंडिया इज टू सुपीरियर? तो ये चांस होता है। आज की खास बात थी शुभमन गिल का ना खेलना और सैमसंग का खेलना, इससे आपको टीम का माहौल का पता चल जाता है कि गौतम गंभीर किस माइंडसेट से आए हैं। वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे अपने प्लेयर्स को। इंडिया पावरफुल प्लेयर डिस्प्ले किया इंडियन स्पिनर्स ने, टाइमली बहुत अच्छा किया। एक हार्दिक पांड्या का ये जो एटीट्यूड है कि एक मैच में अगर परफॉर्म नहीं होता, आज देखें आज बॉलिंग में भी और फिर बैटिंग, तो मतलब वो बिल्कुल ही लेके ही चले। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज के दूसरे T20 मैच के अंदर इंडियन टीम ने टोटली वन साइडेड विक्ट्री हासिल की। ये ना सिर्फ मैच की विक्ट्री थी बल्कि ये विक्ट्री इंडियन टीम के लिए खुशामद साबित हुई, क्योंकि इस विक्ट्री के बाद इंडियन टीम एक और सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही। कल के मैच में आगाज में श्रीलंका ने बड़ा जोर मारा, 15 ओवर में 131 रन बनाकर सिर्फ गिनती की 2-3 विकेट गिरी थी। उसके बाद आखिरी 5 ओवर जिसके अंदर श्रीलंका ने लगाना था फेंटा, उसी 5 ओवर के अंदर इंडियन बॉलर्स ने जोर लगाया। रवि बिशोनी, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह, इन तीन बॉलर्स ने आखिर के 5 ओवर में 5-6 शिकार किए, और वो बड़े बड़े शिकार किए जिन्हें श्रीलंका का टोटल बहुत बड़ा करना था। जिसके बाद श्रीलंका ने मरते मरते 161 का टोटल दिया, जो कि इंडिया के लिए खासा बड़ा ना था। लेकिन बारिश की वजह से मैच को थोड़ा कॉल ऑफ करना पड़ा। मैच 8 ओवर मुश्तमिल हो गया। 8 ओवर के अंदर 82 स्कोर यानी 82 स्कोर करना था इंडियन टीम ने, जो कि बासानी इंडिया टीम ने चेज कर लिया। आगाज ओपनिंग स्टार्ट इंडिया का डगमगाया, संजू सैमसन की विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद यशवी जायसवाल और यशवी जायसवाल के साथ सूर्य कुमार यादव, ये दो खिलाड़ियों ने शानदार पार्टनरशिप लाई। लेकिन जैसे एक विकेट गिरी उसके बाद फौरन हार्दिक पांड्या ने गिरी संभाल ली, और वही जैसे कि हार्दिक पांड्या को सब जानते हैं कि ये T20 फॉर्मेट के नंबर 1 ऑलराउंडर है। कल के मैच में दोबारा हार्दिक पांड्या ने शानदार 2 छक्के लगाए, और 2 छक्के लगाकर टीम की जीत अपने नाम की। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कल के मैच की फतह के बाद श्रीलंका सीरीज तो जीत के पा इंडिया, लेकिन इस जीत जीतने के बाद गौतम गंभीर के जो ड्रीम थे, गौतम गंभीर की सीरीज की विक्ट्री थी, वो मजीद बढ़ती चली गई। क्योंकि पहली सीरीज भी इंडिया टीम जीती थी, और एक मरतबा सीरीज दोबारा गौतम गंभीर की लीडरशिप के अंदर, गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर इंडियन टीम बासानी जीत गई। शेजफ्रीदी कहना है गौतम गंभीर दुनिया का नंबर 1 कोच है, और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कोच साबित होगा इंडिया टीम के लिए, बिलखसूस इंडिया के जो यंग लड़के हैं बहुत बेहतरीन है, बहुत पोटेंशियल इंडिया के
लड़कों के अंदर बिलखसूस कोच से लेकर पोटेंशियल है टीम के अंदर, यही पोटेंशियल जिसकी वजह से इंडियन टीम बासानी किसी भी बड़ी टीम को टक्कर देकर सीरीज अपने नाम कर लेती है। मतलब मारते ही इतने यार, वन साइडेड अफेयर कर देते हैं। श्रीलंका वालों ने रिपीट टेलीकास्ट किया है उसी सारे भसड़ का जो इन्होंने पहले मैच में बचाया। 130 के ऊपर तीसरी विकेट गिरती है, 5 ओवर पड़े हैं, 161 करते हैं 161, यानी कि 5 ओवरों में 31 रन किए, 7 विकेटें दे दी, और विकेटें बिल्कुल उसी तरीके से दी माशाल्लाह से जिस तरीके से पहले मैच में दी थी। आओ ये लो विकेट, आप भी आ जाओ ये लो विकेट, मतलब विकेट इन्होंने परोस कर दिए। खैर फिर स्काई आया, वही कैप्टन जिन्हें 26 किया, 12 गेंदों के ऊपर 4 चौके 1 छक्का, 216 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या, पांड्या ने इतने कस कस के जिसको कहते हैं वो शॉट नहीं मारे, उसने तप्पड़ मारे हैं, तप्पड़ जिसको कहते हैं, छक्का उसने मारा मिड विकेट के ऊपर हसारंगा को। उसके बाद आप उसकी हिट्स देखे ना, जो उसने चौके, ये जो उसने 3 चौके मारे हैं ना, इन चौकों के आगे किसी का हाथ पड़ जाता हाथ तोड़ चौके थे वो, इतने जिसे कहते हैं। एक जो उसने जो मारा मिड ऑफ के ऊपर से, ओए होए 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 होए, मैं फील्डर होता ना, वो तो श्रीलंका का फील्डर था, उसने ट्राई करी रोकने की उस शॉट को, मैं होता ना मैं वहां पे एक्टिंग करके गिर जाता कि ओ मेरा पैर मुड़ गया, पागल हूं मैं उस शॉट के आगे हाथ रखता, वो शॉट ही ले जाती भाई बंदा। श्रीलंका को मार दिया, वर्ल्ड T20 जीत लिया, जिम्बाब्वे को भी हरा दिया, उससे पिछला क्या था अफगानिस्तान को भी कूटा, फिर वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी सेट गई। कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जहां पर ये हल्के हैं? मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि भाई ये जो नए जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं ना इंडिया के, ये जयसवाल टाइप के और ये सूर्या कुमार यादव वगैरह, भाई मुझे तो लगता है कि ये तो पिछली जो T20 जिसने T20 वर्ल्ड कप अभी जीता इंडिया की स्क्वाड, उससे भी ये दो हाथ आगे जाएगी, बिकॉज दी क्वालिटी ऑफ द शॉट्स एंड द स्किल लेवल और उनके पास जो एरे है स्टोक्स का, आज यार मैं देख रहा था, मतलब कमाल था यार वो, तीनों जो जयसवाल एंड दिस फेलो स्काई एंड हार्दिक, तीनों के तीनों 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से ऊपर इन्होंने बैटिंग की है। पावर प्ले में 4 ओवर 45 रन बन चुके थे, उसकी वजह ये थी कि हसारंगा जब आया पहला ओवर करने पावर प्ले में, 15 से 16 रन बने उसके ओवर में, और क्या उसको जयसवाल ने मारा यार, एक रिवर्स स्वीप पे दिया, एक छक्का दिया, फिर चौका दिया, मतलब एक क्लास, एक कॉन्फिडेंस आपको नजर आती है उस बच्चे जयसवाल ने यार, तब लाइक द वे इंडिया प्लेड, तो यार लिहाज ही नहीं किया जयसवाल, सूर्या ने तो वो मार मारी है यार। जयसवाल ने एक ओवर में हसारंगा को टेक डाउन किया, अगले ओवर में सूर्या ने उसको ठिकसाना को टेक डाउन कर दिया, कि ठिकसाना कैप्टन मतलब बॉलिंग ऑफ ऑफ स्टम ऑन द ऑफ स्टम पीछे कर रहा था, और सूर्या कुमार यादव ने 5 गेंदे खेली उस ओवर में, अब 5 के पास स्वीप, और 5 के पास स्वीप वो डिफरेंट मतलब पोजिशन से मारी है, बट ही डिडंट स्टॉप, ये होता है इंटेंट यार। तो आई वाज शॉक्ड टू सी ए पाकिस्तान सिंस द 2022 वर्ल्ड कप वेयर दे प्लेड द फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड, दे हैव द लोएस्ट विन परसेंटेज अमंग ऑल द टीम्स, हाईएस्ट विन परसेंटेज बाय इंडिया, नॉट अ सरप्राइज, 76 कुछ है, पाकिस्तान का लोएस्ट परसेंटेज है, 30 में से सिर्फ 11 मैच जीते हैं, यानी आप सोचो कि वो 11 में से भी जो है तकरीबन कोई 70% मैचेस आप कमजोर टीमों से जीते हो, यानी सो व्हाट हैज पाकिस्तान बीन